Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss or revise some important topics from our chapter number 12, that is the some basic concepts of organic chemistry. And here I am taking the first question, that is the find the sigma and pi bonds in the following compounds. Jo hydrocarbons given hai unme se hame sigma aur pi bonds ko फाइंड करना है, और ये आपको मैंने टेंथ में भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है. बस यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिए हैं. सो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन को लिखा नहीं जाता है, ये अपने आप ही हमें लिखने होंगे या समझने होंगे. तो यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम उसको ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए वो किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है. और यहाँ पर ये इसके साथ में क्या जुड़े हुए हैं, एक एक हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे, ठीक है. ये होती है बेंजीन, ये डबल बॉन्ड मैंने इस तरीके से यहाँ पे करे हुए हैं. अब देखिए इस एक हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ पे क्या जोड़ा गया है, यहाँ पर एक कार्बन है, फिर यहाँ ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और यहाँ पर ये चौथा कार्बन है. यानी कि हम अगर यहाँ पे जोड़ना चाहें तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होंगे, चार कार्बन होंगे, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन होगा, ठीक है. अब हमें इनकी भी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं. यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऐड होंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर. तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी फोर सेटिस्फाइड करके हम कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड कर लेंगे, ठीक है. तो कभी भी आपको जब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स फाइंड करने होते हैं तो आप इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना. ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके अगर आप फाइंड करते हैं तो गलतियां नहीं होती हैं. अब देखिए यहाँ से आपको पाई बॉन्ड तो दिखाई दे ही रहे होंगे कि चार पाई बॉन्ड है. कितने हैं पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड कितने हैं, फोर. लेकिन अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है. तो इस तरीके से 22 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए हैं, 22. यहाँ जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पर एक पाई होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो इस तरीके से जो हमने यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया उसमें सिग्मा बॉन्ड्स तो हैं 22 और पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 4. नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं अपना ये. तो यहाँ पर भी पहले मैं इसको क्या कर लेती हूँ, इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेती हूँ. तो सबसे पहले तो मैंने ये 6 कार्बन जो है उनको ओपनली करके लिखा है, फिर ये जो कॉर्नर्स हैं उन पर भी 2 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हर कॉर्नर पर कार्बन होता है, बट कार्बन और हाइड्रोजन को हम लिखते नहीं हैं. फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड भी मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ. अब हमें क्या करना है, ये मैंने पूरी स्ट्रक्चर कार्बन वाली बना ली, अब मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन को लिखने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 4, ठीक है. तो हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए. इस तरीके से मैंने हर कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी. अब मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो देखिए पाई बॉन्ड तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही है, ठीक है. अब सिग्मा काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. अगेन यहाँ पे हमारे पास में जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कितने आए हैं, 22 आए हैं. तो इस तरीके से हम पाई और सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कोई भी आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, चाहे वो कंडेंस्ड हो चाहे वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले आपको ओपन स्ट्रक्चर में उसे कन्वर्ट करना है, और फिर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं. बहुत ही आसान है. नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एंड दैट इज़ द राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड. इस कंपाउंड की आपको स्ट्रक्चर लिखनी है, और कौन सी स्ट्रक्चर लिखनी है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखनी है. यानी कि हमें कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखना है, सिर्फ हमें क्या लिखना है, जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें लिखने हैं. तो देखिए 2,2-dimethylhexanoic acid. तो सबसे पहले देखो, जब भी आप IUPAC नाम दे रखा हो आपको, नेम से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन को ढूंढिए. पेरेंट चेन यहाँ पे 6 कार्बन की है. कितने कार्बन की है पेरेंट चेन, 6 कार्बन की है. तो हम पहले सबसे पहले पेरेंट चेन के 6 कार्बन बना लेंगे इस तरीके से,
ठीक है। और फिर आपको पता है यहाँ पे ओइक एसिड लगा हुआ है, तो ओइक एसिड क्या होता है, COOH। ओइक एसिड क्या होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। अब इतना काम हमारा पूरा हो गया। अब हेक्सेनोइक एसिड है, यानी कि फर्स्ट हम नंबरिंग, जब भी हम IUPAC नेम लिखते समय नंबरिंग देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाली टेबल है उसमें सबसे ऊपर आता है, तो हमेशा इसको फर्स्ट पोजीशन ही देंगे। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl, यानी कि एक मिथाइल यहाँ है और एक मिथाइल भी दूसरे कार्बन पर ही है। दोनों मिथाइल कहाँ पे है, सेकेंड नंबर के कार्बन पे। तो 2,2-dimethyl हेक्सेनोइक एसिड, ये हमारी एक स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है। अगर हम इसको कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं कार्बन की वैलेंसी को 4 को सेटिस्फाइड करते हुए, ठीक है। तो ये हमारी जो है कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी इस कंपाउंड की। बट यहाँ पर आपको कंडेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना है, आपको यहाँ बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसी को अगर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 कार्बन है, ठीक है। तो मैं इन 6 कार्बन को कैसे बनाऊंगी, सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास 6 कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये तो मैंने ये 6 कार्बन बना लिए। अब फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O एंड OH। ये 6 फर्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड O एंड OH, ये मैंने फर्स्ट कार्बन पे यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन हो गए, क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हमेशा कॉर्नर्स पर कार्बन होते हैं। अब देखिए 2,2-dimethyl है, तो ये 2,2-dimethyl कॉर्नर पे क्या हो गए, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। तो दूसरे कार्बन पे इस तरीके से 2 लाइनें और हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर, पहले हमने नाम से कंडेंस स्ट्रक्चर बनाई, फिर उससे हमने क्या करी की है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है। आप प्रैक्टिस करोगे तभी ये चीज़ आपको आ पाएगी। तो 1-2 एग्जांपल्स आप लेके उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए और मुझसे पूछ लीजिए डाउट्स है तो। कोई भी स्टूडेंट डाउट्स नहीं पूछता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए, तो ऐसे समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल ये है, तो इसमें भी देखिए सबसे पहले पेंटेन, पीछे से हम क्या निकालेंगे, हमारे लिए जो पेरेंट चेन है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना लीजिए इस तरीके से, पेंटेन है, ठीक है। फिर पेंटेन के बाद 2-ol, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से देती हूँ तो देखिए दूसरे कार्बन पे क्या है, ओल, ओल यानी अल्कोहल, ओल मीन्स अल्कोहल, ओल सफिक्स किसके लिए लगता है, अल्कोहल के लिए लगता है। फिर 1,1-dibromo-3-methyl, 1,1-dibromo, तो ये फर्स्ट कार्बन है, इस पर क्या जुड़े हुए हैं, डायब्रोमो एंड 3-methyl, थर्ड कार्बन ये है, तो 3-methyl। तो इस तरीके से अब वैलेंसी हम सेटिस्फाइड कर देते हैं, ठीक है, कार्बन की। तो ये हमारा जो है कंपाउंड बना है, लेकिन ये कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको हमें बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने 5 कार्बन बना दिए, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, हर कॉर्नर पर कार्बन होता है, बस ये ध्यान रखना है हमें। फर्स्ट कार्बन ये रहा, इस पर क्या है, 2 ब्रोमो जुड़े हुए हैं, तो ये इस तरीके से मैंने 2 ब्रोमो जोड़ दिया फर्स्ट कार्बन पे। सेकेंड कार्बन पे क्या है, OH, तो ये सेकेंड कार्बन पे मैंने OH जोड़ दिया। थर्ड कार्बन पे क्या है, CH3, तो CH3 का C और H हम नहीं लिखेंगे, खाली ऐसे लाइन करके ही छोड़ देंगे, और ये दोनों कार्बन पे कोई भी ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ना है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये जो कंडेंस स्ट्रक्चर है उसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है IUPAC नाम लिखने हैं हमें, तो IUPAC नेम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले तो कंडेंस स्ट्रक्चर है, हम इनको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देंगे हाइड्रोजन से, हर कॉर्नर पे क्या रख देंगे, कार्बन रख कर, ठीक है। अब हम नंबरिंग देंगे तो हमें पता है ये फंक्शनल ग्रुप ये है, तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अब नाम क्या हो जाएगा इसका, 2-methyl, सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या है, 2-methyl, ये तो हो गई ब्रांच, ठीक है। अब हमारी पेरेंट चेन क्या है, साइक्लोपेंटेन, देखिए 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन।
और फर्स्ट कार्बन पे OH लगा हुआ है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अकेला आता है तो उसका सफिक्स लगता है, तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? पेंटेनोल। ठीक है, यहाँ पे वन नहीं लिखेंगे क्योंकि वन लिखना कंपलसरी नहीं होता है, वन ओल भी हम लिख सकते हैं, वन ओल, क्योंकि OH की हमें पोजिशन अगर शो करनी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? टू मिथाइल साइक्लो वर्ड क्यों लिया? क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लो पेंटेन क्योंकि पांच कार्बन है साइकिल में, और ओल क्यों लगाया? क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स लगेगा। फिर हम इसकी बात करते तो यहाँ पे भी हर कॉर्नर पे कार्बन पुट कर लीजिए, ये मैंने हर कॉर्नर पे क्या किया है? कार्बन पुट किया है। इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से वैलेंसी सेटिस्फाइड कर दी। अब देखिए CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस से ही लर्न होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये लर्न नहीं होंगे, फाइन, आप आइडेंटिफाइड फंक्शनल ग्रुप को नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नंबरिंग यहीं से देंगे क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है। एक ब्रोमो है, ब्रोमो का कभी भी सफिक्स नहीं लगता है, जो हेलो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो होते हैं यानी कि हेलोजन्स होते हैं, उनके सफिक्स नहीं लगते हैं, इनके हमेशा प्रफिक्स ही लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, यानी पेरेंट चेन हमारी कितने कार्बन की हो गई? छः कार्बन की हो गई, यानी हेक्सेन हो गई। ठीक है, फिर ब्रांच वगैरह तो है नहीं, खाली एक ब्रोमो है थर्ड कार्बन पे, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? थ्री ब्रोमो हेक्सेन, और एल्डिहाइड का क्या लगता है? एल, तो थ्री ब्रोमो हेक्सेनेल, हेक्सेनेल ये नाम हो जाएगा इसका, थ्री ब्रोमो हेक्सेनेल। हेक्सेन के पीछे क्या लगेगा? एल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है। इस तरीके से हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टाइप ऑफ कार्बन। टाइप ऑफ कार्बन तीन तरीके के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और एक 4 डिग्री भी पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, इसका हमें टाइप देखना है। तो जब हम टाइप्स ऑफ कार्बन देखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी, तो किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। कैसा हो जाएगा? 3 डिग्री। इसी तरीके से इसकी बात करते हैं, तो ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन का भी टाइप क्या हो जाएगा? टर्शरी। इस कार्बन का टाइप अगर कोई पूछता है तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 डिग्री। इस कार्बन का टाइप पूछता है तो ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हो गया? 1 डिग्री या प्राइमरी। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।